आज की वीडियो का क्या उनवान है, आज किसकी बात होनी है। आज जिस शख्स की बात होनी है उसका नाम और खजाना तो बहुत मशहूर है, मगर उसका चर्चा अच्छे अल्फाज में नहीं है। जी हाँ, उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। नाजरीन, दुनिया में बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, लेकिन ऐसा बादशाह जिसके पास माल खजाना बहुत कुछ था मगर उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ, तो आइए जानते हैं ये कौन था। मेरे इस्लामिक आइकॉन के नाजरीन, ये कारून था। आज बात होगी कारून की। आपने तारीखी हिकायात और मुहावरात में कारून का खजाना तो बहुत सुना होगा। ये वो शख्स है जिसका जिक्र कुरान मजीद में निशाने इबरत के तौर पर किया गया है। आज हम जानेंगे कि कारून का अंजाम क्या हुआ। आज हम जानेंगे उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो गर्क कर दिया गया। आज बहुत कुछ सीखना है कुरान पाक के इस वाक्ये से, तो आइए बहुत तवज्जो के साथ इस वाक्य को समाप्त कीजिए। नाजरीन, कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसहर का बेटा था। बहुत ही शकील और खूबसूरत आदमी था, इसीलिए लोग उसके हुस्न जमाल से मुतासिर होकर उसको मुनव्वर कहा करते थे। इसके साथ साथ उसमें ये कमाल भी था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम और बहुत ही मिलनसार और बा इखलाक इंसान था, और लोग उसका बहुत ही अदब और एहतराम करते थे। लेकिन बेशुमार दौलत उसके हाथ में आते ही उसके हालात में एकदम तगैयुर पैदा हो गया और सामरी की तरह मुनाफिक होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया और आला दर्जे का मुतकब्बिर और मगरूर हो गया। जब जकात का हुक्म नाजिल हुआ तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू ये अहद किया कि वो अपने तमाम मालों में से हजारवां हिस्सा जकात निकालेगा, मगर जब उसने अपने तमाम माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम जकात की निकली। ये देखकर उसमें एकदम हिर्स और बुखल का भूत सवार हो गया और ना सिर्फ जकात का मुनकिर हो गया बल्कि आम तौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस बहाने तुम्हारे मालों को ले लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को बरगुजिश्ता करने के लिए उस खबीस ने ये गंदी और घनौनी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज्यादा मालो दौलत देकर आमादा कर लिया कि वो आप पर बदकारी का इल्जाम लगाए। चुनाचे ऐन उस वक्त जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाज फरमा रहे थे, कारून ने आपको टोका कि फलानी औरत से आपने बदकारी की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनाचे वो औरत बुलाई गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के साथ दरिया को पार करा के फिरौन से निजात दी, सच सच कह दे कि वाकया क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और उसने मजमाए आम में साफ साफ कह दिया कि ऐ अल्लाह के नबी, मुझको कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बोहतान लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप दीदा होकर सजदे शुक्र में गिर पड़े और बहालते सजदा आपने ये दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, कारून पर अपना कहर और गजब नाजिल फरमा दे। फिर आपने मजमे से फरमाया कि जो कारून का साथी हो वो कारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी हो वो कारून से जुदा हो जाए। चुनाचे दो खबीसों के सिवा तमाम बनी इसराइल कारून से अलग हो गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया कि ऐ जमीन, तू इसको पकड़ ले। तो कारून एकदम घुटनों तक जमीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा जमीन से यही फरमाया तो वो कमर तक जमीन में धंस गया। ये देखकर कारून रोने और बिलबिलाने लगा और कराबत और रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर आपने कोई इल्तफात ना फरमाया, यहाँ तक कि वो बिल्कुल जमीन में धंस गया। दो मनहूस आदमी जो कारून के साथी हुए थे लोगों से कहने लगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को इसलिए धंसा दिया है ताकि कारून के मकान और उसके खजानों पर खुद कब्जा कर लें। तो आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि कारून का मकान और खजाना भी जमीन में धंस जाए। चुनाचे कारून का मकान जो सोने का था और उसका सारा खजाना सभी जमीन में धंस गया। मेरे इस्लामिक आइकॉन के नाजरीन, सुना आपने कि जो अल्लाह के नेक बंदों को, अल्लाह के बरगुजीदा बंदों को जो सताते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, उनका अंजाम कैसा होता है। तकब्बुर कितनी बुरी चीज है, कंजूसी कितनी बुरी चीज है। आइए अब ये वाकया कुरान की जुबान से सुनते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कारून को इतने खजाने दिए थे कि उन खजानों की कुंजियां एक मजबूत और ताकतवर जमात उठा सकती थी,
अब जरा सोचिए नाजरीन कि वो कितना बड़ा खजाना होगा कि वो खजाना जिन संदूकों में, जिन तिजोरियों में रखा जाता था, उनकी कुंजियों को, उनकी चाबियों को उठाने के लिए एक बहुत बड़ी जमात दरकार होती थी। कुरान मजीद में इस वाक्य का जिक्र सूरह कसस की आयत नंबर 76 में है, तर्जुमा कंजुल ईमान, बेशक कारून मूसा की कौम से था, फिर उसने उन पर ज्यादती की और हमने उसको इतने खजाने दिए जिनकी कुंजियां एक जोर आवर जमात पर भारी थी। नाजरीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को जो नसीहत फरमाई वो ये है कि जिसको कुरान मजीद ने बयान फरमाया है। इसी खैरख्वाही वाली नसीहत को सुनकर कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया। गौर कीजिए कि कितनी मुखलिसाना और किस कदर प्यारी नसीहत है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ सारी कौम कारून को सुनाती रही। सूरह कसस आयत नंबर 76 और 77, तर्जुमा कंजुल ईमान, जब उससे उसकी कौम ने कहा इतरा नहीं, बेशक अल्लाह इतराने वालों को दोस्त नहीं रखता, और जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है उससे आखिरत का घर तलब कर और दुनिया में अपना हिस्सा ना भूल, और एहसान कर जैसा अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया, और जमीन में फसाद ना चाह। मेरे इस्लामिक आइकॉन के नाजरीन, कारून ने अपने माल के घमंड में इस मुखलिसाना नसीहत को ठुकरा दिया और खूब बनसवर कर तकब्बुर और गरूर से इतराता हुआ कौम के सामने आया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बदगोई और ईजा रसानी करने लगा। इसका नतीजा क्या हुआ, इसको कुरान की जुबान से सुनिए और खुदा की इस काहिराना गिरफ्त पर खौफ इलाही से थर्रा जाइए। सूरह कसस आयत नंबर 81, तर्जुमा कंजुल ईमान, तो हमने उसे और उसके घर को जमीन में धसा दिया तो उसके पास कोई जमात ना थी कि अल्लाह से बचाने में उसकी मदद करती और ना वो बदला ले सका। मेरे इस्लामिक आइकॉन के नाजरीन, हमने ये इबरतनाक वाक्या सुना। इस वाक्य से हमने दर्ज क्या हासिल किया? ये इबरतनाक वाक्या हमें ये दर्ज से हिदायत देता है कि अगर अल्लाह ताला मालो दौलत अता फरमाए तो इस फर्ज को लाजिम जाने कि अपने अमवाल की जकात अदा करते रहें और हरगिज हरगिज अपने मालो दौलत पर गुरूर और घमंड करके ना इतराएं, क्योंकि अल्लाह ताला ही दौलत देता है और जब वो चाहता है पल भर में दौलत छीन भी लेता है। हर वक्त इसका ध्यान रखते हुए तवाजो और इनकसारी की आदत रखिए और हरगिज हरगिज कभी अंबिया, औलिया और सालेहीन की ईजा रसानी और बदगोई ना करें कि इन मकबूलाने बारगाह इलाही की दुआ और बददुआ से वो हो जाया करता है जिसका लोग तसव्वुर और ख्याल भी नहीं कर सकते। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें राह खुदा में दिल खोल कर खर्च करने का जज्बा अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन।